इवन ऐसे यार। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है चेक करते हैं। आइए, SMPS के कनेक्टिविटी करने के बाद हम इसको पैनल से ऑन करते हैं। अब देखिए, तो ये हमारा मदरबोर्ड चल रहा है, ठीक है, और रैम की बीप भी आ गई है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करते हैं, रैम लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारी रैम आप देख रहे हैं, इसमें रैम ये हम लगा रहे हैं, इसमें 2 GB DDR3 12800U है, ठीक है। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम रैम लगाने के बाद इसमें ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें ये फॉल्ट रैम का ही होता है। तो अब हम रैम एक बार दूसरे स्लॉट में भी देख लेते हैं लगा के। देखिए ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप लाइव देख रहे हैं बिल्कुल कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखिए इस रैम को निकाल करके दूसरी रैम लगाते हैं। ये देखिए रैम, आप ये देख लीजिए कौन सी है, ये 10600 है, ठीक है। ये भी PCIe L3 ही है, क्योंकि 3 का सॉकेट है तो 3 ही रैम लगेगी। तो अब हम देखिए चेक करते हैं रैम चेंज करके। तो देखिए दोस्तों, वो जो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम थी वो आपकी रिजॉल्व हो गई है, और इसी के साथ साथ देखिए आपका डिस्प्ले भी आ गया है। तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।